हॉकी स्टिक, ठीक। आपका जो राइट हैंड होगा वो कहाँ पर होगा? ये ग्रिप दिख रहा है जिसको बोलते हैं ग्रिप, ये क्या है? ग्रिप। ग्रिप ठीक नीचे जहाँ ग्रिप खत्म होती वहां पर रखना है ऐसे, ये दो उंगली इस पे, ये वाले यहाँ, ये वाली यहाँ, फिर इससे यहाँ से लॉक करना है। और हमेशा ध्यान रखना कि इसको पकड़ना नहीं, ये सिर्फ कवर होगा, ये हॉकी अंदर से घूमनी चाहिए, समझ में आया ना। ड्रिबलिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखना आपका जो माथे के नीचे आपकी बॉल होनी चाहिए, कमर झुकी होनी चाहिए, और सिर्फ ऊपर वाला हाथ घूमेगा। ध्यान देखो मेरा ये वाला हाथ पेंडुलम की तरफ बस ऐसे ऐसे जाएगा, जा रहा है ना। ऊपर वाले हाथ से बॉल अगर इधर टच होती है तो फाउल माना जाता है। हमेशा बॉल किधर टच होनी चाहिए? इधर से मारा इधर बॉल को हॉकी घुमा दिया, इधर आ गया, इधर से मारा इधर घुमा दिया। बस इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग हॉकी की पहली स्किल क्या है? सबसे मेन स्किल क्या है? ड्रिबलिंग। सबसे मेन स्किल क्या है? ड्रिबलिंग। ठीक है, क्या है? ड्रिबलिंग। चलो अब एक लोग और करके दिखाओ, चल कोशिश कर। ये वाला हाथ नहीं घुमाना है, इसके अंदर गैप रखना है। इधर मार, देखो यहाँ से यहाँ मारा, इधर ऑफिस इसको घुमा, इधर मारा, ये हाथ तुम्हारा सीधे ऐसे ऐसे ही जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है। चलो हाँ गुड, सीख तो गया। हाथ नहीं मोड़ना है, राइट वाला हाथ नहीं मोड़ना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला हाथ से घुमाने की बॉल को। तो पैर पे टच हो जाता है तो कैरीड हो जाता है, फाउल हो जाता है। हाँ गुड, और नीचे पकड़ और झूठ, ठीक है। नेक्स्ट इधर से पहले मारा बॉल को, जब उधर गया तो इस वाले हाथ को घुमा देना है, ऊपर वाले हाथ को घुमाना है। 5 मिनट छुपाओ, कोशिश करो धूप की ढेर एक जगह पे। देखो फिर उधर गया तो ऊपर वाले हाथ को घुमाना, उधर घुमा अंदर को, बस इतना। फिर इधर मारा, फिर इधर घुमा, इधर मारा, इधर घुमा, ठीक है। ऐसे पहले बिना बॉल की प्रैक्टिस करो, बॉल के साथ कोशिश करो, ड्रिबलिंग करने की। तो धीमे धीमे करो, अपने सर के नीचे बॉल रखो। हाँ धीमे धीमे करो, धीमे धीमे। ये पकड़ ना, पकड़ जैसे पकड़ो इसको ढीला रखना, ठीक है। ये इसको खुला रखना, ठीक है। ये कैसे इधर से दोनों घुटने को पास में रखना है और पंजों को क्या कर देना है? सटा देना है, ठीक है। जब जंप करेंगे तो पहले जंप का फॉर्मेट देख लो, जंप हमेशा पंजे पे होगी, इस पे होगी पंजे पे, बस इतना इतना जंप करना है, ठीक है। इसके और घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। तुम लोग क्या करते हो? ये फाउल होता है, ये गलत होता है। आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, सीधी बॉडी जाएगी अब, ठीक है। और ये चीज यहाँ पर लगी हुई चाहिए, आपका क्या घूमेगा? केवल कलाई, ठीक है। केवल क्या घूमेगी? कलाई। स्टार्ट करें। पैर देखो मेरा पैर मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा ना, इसी चीज को ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, 1 2 पहले करेंगे, फिर 3 4 5 समझ में आया? इसको बैक पर फिर से बात चलाएंगे।